गौरवी जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आंखों की चोरी से, सांसों की डोरी से जुड़ते दिल सुबह शाम है। You must be so happy, no? कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतने बड़े घर का, और अब now you're a millionaire. और मुझे अपने डैडन पे छोड़ दिया। You guys are a part of the same family. Just to remind you, शादी की जिद हमेशा तुमने की थी, मैंने कभी नहीं की। Just go to hell. How dare you treat my sister like that? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। एक भाई होने के नाते मैं शिया के साथ हूँ। तो फिर एक बहन होने के नाते मैं भी अनिकेत के साथ हूँ। आपके लिए अरेस्ट वारंट लाए हैं, चलिए हमारे साथ। प्रॉपर्टी मेरे भाई ऋषि की है। श्रिया एंड ऋषि, उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे कर दी है, तेरे लिए कुछ नहीं रखा है। क्यों, कंट्री छोड़ के भाग गए? उस प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे हैं, मैं 50% के ओनर हूँ, तो उस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी मैं लूँ। The next divorce petition is filed by Anuj Mehta and Gauravi Mehta. Mrs. Gauravi Mehta, आप अपने हस्बैंड मिस्टर अनुज मेहता के अगेंस्ट कुछ कहना चाहती है? No, my lord. मिस्टर अनुज मेहता, आप अपने वाइफ के अगेंस्ट कुछ कहना चाहती है? No, my lord. अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअल डिवोर्स के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं, तो मैं 6 महीने के लिए काउंसलिंग सजेस्ट करती हूँ। 6 महीने बाद भी अगर आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, तो आप लीगल सेपरेशन के लिए फाइनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। मैं तुम्हें किसी भी तरह की बंदिश में नहीं रखना चाहता। एक सेकंड, एहसान कर रहे हो मुझ पे? You think you're doing me a favor? एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं कितना ह्यूमिलिएट होंगी इससे। और अब अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट हो ना, प्लीज आराम से इस डिवोर्स को जाने दो। कोई बताए क्या कह रही हवाएं, हल्की हल्की ठंडी सी बातों में छाई घटाएं जो चुपके से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से। क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार। क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? डिवोर्स के लिए फाइल किया है, हुआ तो नहीं ना? यू नो अनुज, ईश्वर भी नहीं समझ पाता कि लड़की के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 8 महीने पहले जिस गौरवी को तुम जेल से छुड़ाकर अपने पास लाए थे, अब उसे ही अपने से दूर करने के लिए कोर्ट तक ले गए। गलती किसकी थी, तुम्हारी या उसकी? तुम दोनों के बीच क्या कोई दूसरा आया था? गौरवी को बेल मिल सकती थी क्योंकि वो सिग्नेटरी नहीं थी, आधी कंपनी उसके नाम पर थी इसलिए वो जेल गई। उसे बचाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, और उस वक्त तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मोटा भाई हमारे पुराने रिश्ते हैं, ज्यादा नहीं जितना भी हो सके। आपको तो पता है मैं कर्जा रखने वालों से नहीं हूँ, मुझे गौरवी को जेल से बाहर निकालना है। अनुज भाई, आप धंधे में रिश्ते को मत लाइए, आपकी तो कंपनी की रेपुटेशन भी नहीं रही, क्या देख के मैं आपको पैसे दूँ? देखिए, इतनी सख्त जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें फोन नहीं करता। गौरवी ने मेरा सारा इल्जाम अपने सर पे लेके वो जेल में है। धंधा मंदा चल रहा है, आपको ना बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है। तुमको देने में कोई वांधा नहीं है, पर क्या है ना, देश में चल रहा है ना वो रिसेशन, तो अपना भी हाथ थोड़ा तंग है समझो।
वो जेल में थी और मैं बाहर, पर प्यार उतना ही था। लोग कभी कभी पास होकर दूर होते हैं और कभी कभी दूर होकर भी पास। आपको बारिश का एक सॉलिड फायदा बताओ, अपनी आंख की बारिश और ऊपर की बारिश में मिक्स होती है ना, मतलब हम रो ना तो भी किसी को पता ही नहीं चलता है ना। आप छतरी वालों को क्या पता बारिश का क्या मजा है। वो सिकंदर हूँ बस तो कहलाता है, हरी बाजी को जीतना जिसे आता है, निकलेंगे मैदान में जीते हम जीतेंगे। सबने हाथ खड़े कर दिए सर, लेकिन मैं गौरवी को जेल से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मैं जानती हूँ अनुज पैसों को लेके कितने परेशान होंगे, और उन्हें तकलीफ दे के मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती। क्या कर रहे हैं, शादी की अंगूठी है? इस अंगूठी ने नहीं बांध के रखा है मुझे गौरवी से, कनेक्शन इससे बड़ा है। अनी मैं जानती हूँ वो कितनी टेंशन में होंगे, और अगर इससे उनका थोड़ा सा भी स्ट्रेस जाता है ना तो बहुत कीमती कहूंगी इस अंगूठी को। इस अंगूठी ने गौरवी की थोड़ी भी तकलीफ कम कर दी तो मैं सोचूंगा कि इस अंगूठी ने अपना काम कर दिया। सुन, इस बात का गौरवी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अनुज को इस बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। और चीजू कभी ना कभी तो आपका हाथ देखेंगे। तब की तब देखेंगे यार, अभी तो गौरवी को निकालना जरूरी है। ऋषि और श्रेया दोनों ही अपना बिजनेस पैसा सब समेट कर देश छोड़ के चले गए थे। मुश्किल वक्त, हमारा बचा हुआ बिजनेस, घर जो मेरे नाम पे था वो भी सील हो गया था, फिर भी मैं टूटा नहीं, क्योंकि इन सब बुरी चीजों में एक अच्छी बात भी हुई थी। हाँ मनित, इट्स अ गुड न्यूज, गौरवी की रिहाई के चांसेस बन रहे हैं। चले लेकिन इससे पहले कहीं और जाना चाहती हूँ। वड़ा पाव वहां भी, लेकिन पहले कहीं और। लेकिन माँ को लेके आते हैं, है ना? नहीं, सौरभ और जीने फैमिली जैसी है, तो माँ वहाँ पे तो ठीक है रहने दो। हाँ मतलब सौरभ जीने फैमिली जैसे हैं, लेकिन फैमिली जैसे और फैमिली होने में थोड़ा सा फर्क तो होता है ना। मतलब आपकी फैमिली के? मेरी फैमिली मतलब जब उस फैमिली के लिए एफडी करानी थी तब तो वो आपकी फैमिली भी थी, अब अचानक से मेरी फैमिली हो गई। वैसे नहीं, नहीं ऐसे वैसे कैसे भी नहीं, माँ हमारे साथ आ रही है और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक कोर्ट से अपना घर रिलीज नहीं हो जाता तब तक हम सब मिलकर यही रहेंगे। आल्या गेल्याची घरची दारची सटवायची नजर न लागो गो। आओ
वैसे कैसा था वहां सब? हम लोग तो कभी गए नहीं तो पता नहीं ना। वैसे मैं मानता हूं कि हर एक को जब भी मौका मिले ना एक बार जेल में जाना चाहिए। क्या है, जेल जाने से ना जो भी इंसान जाता है उसका बायोडाटा एकदम सॉलिड बन जाता है ना। कितने ऐसे उदाहरण है, इसको तो बेल मिल गई लेकिन मुझे जो सजा मिली है मुस्कुराते मुस्कुराते बिता रहे दिन। माफ करना, हमारे यहाँ एसी नहीं है। एसी की हवा से इंसान की हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं और फिर चलते वक्त बजती है, इसलिए हम लोग एसी नहीं बजाते, मतलब एसी नहीं चलाते, रखते ही नहीं। बैठ जाए ना। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो पंखा भी नहीं होगा तो चलेगा वो। माँ को वैसे भी थोड़ी ठंड ज्यादा ही लगती है ना। जीजू आपका तो फिर भी चल जाएगा, अश्मि का बिना पंखे के नहीं चलेगा। अच्छा क्यों? कोई स्पेशल आने वाला है तो उसको बिना पंखे के चलेगा? कौन स्पेशल आने वाला है? अरे मालूम नहीं, mangalsutra.com के पैसे बचा दिए ये अश्मि ने। जिस कंपनी में काम करती है ना उसी कंपनी के बॉस ने इसे पसंद किया और इसने उसे। एक बात है हाँ कंचन, हमारी बेटियों को उनकी कंपनी के बॉस के कम लेवल का कोई नजर ही नहीं आता। कंचन तेरी माँ रुक गई, फुल स्टॉप लगा दिया दो बेटियों के बाद। क्या है आज और तीन चार लड़कियां होती बेटी मेरी तो धीरे धीरे करके हम अंबानी के समधी भी हो सकते थे। मतलब वैसे लड़का बहुत अच्छा है, हम मिल चुके हैं उसे। उसके पापा परिवार वालों से मिलना चाहते थे इसलिए कल का मिलना तय हुआ है। अनुज, अनुज जल्दी अर्जेंट जाना होगा। जी हेलो। क्या है? मेरी बेटी बुला रही है, जाना होगा अभी। कहाँ? रसोई में। लेकिन किचन में इस वक्त? अरे कोई जरूरी बात करनी होगी, मैं भी बुलाता था तुम्हारी सास को किचन में जब भी मूड होता था, मतलब बात करने का। नहीं लेकिन प्रथमेश भाई वो। ए बाबा, नहीं तो मेरी बेटी तुम्हारी भतीजी हो जाएगी। जी बाबा। बुलाया? वो आपको इस टाइम पे चाय पीते हुए टीवी देखने की आदत है ना, बाहर टीवी तो नहीं देख पाएंगे तो। नींद भी बहुत मुश्किल से आएगी, वो एसी वाला रूम नहीं है, नरम गद्दा, शांति। एसी? नो प्रॉब्लम, कम है। गर्मी लगे खोल दो, गर्मी लगती है बाहर आता हूँ। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया ना, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। बाबा? नहीं नहीं नहीं, समझ सकता हूँ। आप चाय? नहीं, वैसे वारंटी पीरियड भी खत्म हो चुका है तो। हाँ नहीं सॉरी। आप लोग जो चाय मतलब। मैं क्या बोल रहा हूँ? बाबा चले गए। अनुज बाबा, अनुज कहाँ हैं आप? रोहित और उसके मम्मी पापा पहुँचने वाले हैं। हाँ बस रास्ते में हूँ, वो काम के चक्कर में एक जगह जाना पड़ा। अरे आप उसकी इतनी टेंशन मत लो, अब तो मैं भी हूँ ना आपके साथ। वही तो प्रॉब्लम है ना, आप साथ में नहीं हो ना मेरे। मतलब? मतलब अगर साथ में होते
तो आप उस वक्त मेरी बगल में होते। बातें बहुत बनाने लग गए आप। बातें तो बहुत सारी आती है मन में, लेकिन वो घर पे टाइम नहीं मिलता ना। इसको अंदर रख दो। ऐसे क्या प्राइवेट बातें करनी है आपको? हाँ घर आगे बताऊ। अच्छा सुनो ना, आपने क्या पहना है? मतलब साड़ी पहनी है कि कुर्ता पजामा? क्या हुआ अनुज? लड़कियों का ना कुर्ता पजामा नहीं होता, सलवार सूट होता है। हाँ हाँ मतलब सलवार सूट। तो एक काम करो ना, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ ना क्या पहना है। क्या दिखाओ ना? प्लीज 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 अनुज, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके करती हूँ। हाँ ओके। वाह बहुत अच्छे। अरे आगे से राइट टर्न करना। क्या? नहीं नहीं आपको नहीं, तो रिक्शा वाले को बोलो। वैसे आप भी टर्न कर सकती हैं। क्या अनुज, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ताई क्या जीजू को वीडियो कॉल पे क्या दिखा रहे थे? तेरा सर मेरी सन पे जीजू को क्या इंटरेस्ट? वो तो तू ना जाए यहाँ से। आने वाली हूँ। रोहित सर, आप मुझे आज से नहीं कई सालों से जानते हो। क्या आपको लगता है मैं आपके साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ? सर मैं जानता हूँ श्रेया आपकी बहन है, और अगर मैंने कोई ऐसे स्टेप उठाया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। और अगर आपको नहीं यकीन होगा तो आप इससे खुद पूछ लीजिए ना। अस्मी से तो मैं ऑफिस में मिल चुका हूँ, काफी हार्ड वर्किंग और सिंसियर है। रोहित ने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वैसे और कोई भी होता ना तो हम लोग पहले यही जानना चाहते थे कि भाई लड़का कौन है, क्या कर रहा है, कितना कमाता है। लेकिन देखो हमारी अस्मी ने तो पूरी कंपनी का अकाउंट स्टेटमेंट ही लाके अंदर घर पे रख दिया। जी रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन मेरे बेटे ने अस्मी से वादा किया था कि शादी उसी से करेगा। और देखिए अब हमें भी मनवा दिया। अब इसे अच्छी बात कहे या बुरी, लेकिन एक बार जो मेरा बेटा कमिट करता है तो फिर पीछे नहीं हटता। ताई क्या हुआ? तू कितने अच्छे से जानती है रोहित को। इतना अच्छे से जानती हूँ कि मैं पूरी लाइफ उसके साथ बता सकती हूँ। नहीं मैं डायलॉग मारने को नहीं बोल रही हूँ। अरे ताई बहुत अच्छे से जानती हूँ। यू नो फर्म में ना हम लोगों ने एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड ही इज द वन फॉर मी। ही इज जस्ट सो परफेक्ट। तू जानती है ना रोहित श्रेया के साथ ना। आई नो रोहित ने मुझे बताया था, और ताई वो उसका पास था। अस्मी श्रेया कह रही थी कि रोहित ने उसे धोखा देके छोड़ा था। लाइक रियली ताई? और उसने जो आपके साथ किया, हम सबके साथ किया, उसके बाद भी आप उस पे भरोसा करने की बेवकूफी करना चाहती है? ताई प्लीज अस्मी, अस्मी तमीज से। तेरी लाइफ का सवाल है यार, शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब क्लियर होगा तब बात आगे बढ़ेगी। जल्दबाजी में लिए फैसले कैसे निकलते हैं ये हम भुगत चुके हैं। मेरा और श्रेया का एग्जांपल तेरे सामने है, सो डोंट ओवररिएक्ट। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? गाइस इट्स श्रेया, हाउ कैन यू गाइस इवन ट्रस्ट हर? देखो अस्मी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रोहित गलत इंसान है, और तू भी दूसरों पे उंगली उठाना बंद कर ठीक है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हमें तेरी परवाह है। मैं और अनुज प्रोटेक्टिव है तेरे लिए, वी आर फैमिली राइट? हाँ ताई आई नो, और ये सब मैं जीजू को नहीं बोल रही हूँ। आपको भी पता है ना कि मैं आपकी और जीजू की कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। Anyway, छोड़ो, अगर आपको या जीजू को मेरी कही हुई बातों का थोड़ा भी बुरा लगा हो ना तो आई एम रियली सॉरी। मेरा सॉरी गाय। सॉरी
हाँ अच्छा तो देखना है यार, हो जाए तो बहुत अच्छा होगा यार। हाँ मतलब कोई भी जॉब अभी फिलहाल तो। हाँ ओके बाय बाय। हाँ पूजा के लिए चाहिए साहब। पूजा कौन? ओ नहीं नहीं मुझे अपनी मिसेस के लिए चाहिए। अस्मी ये गजरा कौन लाया? और कौन ला सकता है भाई? चिंजू। लो बच गया सायरन। आज मैं चाय बना के आता हूँ अपने लिए। अरे नहीं नहीं प्रथमेश भाई बाबा मैं बनाता हूँ। नहीं ना ना अनुज मैं। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी बेटी वो रूम के अंदर है। अरे 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 इतनी शर्मा क्या रही है उसे है? अरे आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हो ना तो मेरी तरह रहो बिंदास। बहुत मुश्किल से खरीदा होगा ना? क्या ये गजरा? मतलब आपको देख के लगता नहीं है वैसे कि आप ये सब स्वीट था। खाया आपने? नहीं मैं गजरे की बात कर रही हूँ। नहीं वो पहले देना था मैं भूल गया। कोई बात नहीं अच्छा था वो सफेद सफेद था ना मुझे अच्छा लगा मतलब। I love you Anuj। Thank you सिर्फ थैंक यू बोला तूने? अरे अगरबत्ती जलाकर आरती करनी चाहिए थी उसकी। आई लव यू बोला उसने, इससे बड़ी धार्मिक बात और क्या हो सकती है तेरे जीवन में? इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? हाँ तो फिर उसे तेरे को अपनी छतरी नहीं दी कि तूने उसे थैंक यू बोला? आई लव यू टू ऐसा भी कुछ सुना है तूने? हाँ सुना है और पता भी है ये बोलते है, पर उसने एकदम अचानक से। अच्छा तो उसे तुझे वार्न करना चाहिए था कि सुनो मैं तुम्हें आई लव यू बोलने वाली हूँ, हेलमेट वेलमेट पहन के रेडी रहना। गधेड़ा है तू, तुम दोनों गधेड़े ही मेरे नसीब में हो। इसको भी इतना टाइम लगा था आई लव यू बोलने के लिए? इतना टाइम नहीं लगा था, खटाखट बोल दिया था मैंने। हेलो शट अप। पहले चार बार तो एक्सक्यूज मी आपका बुक गिर गया। चर्च गेट कौन सी बस जाती है? फिफ्थ टाइम तो मैंने ही बोल दिया। देख आई लव यू बोलता है तो बोल, नहीं तो बहुत सारे बाबा लोग हैं लाइन में। अरे अपना बात अलग था जीनिया। अच्छा तुम लोग कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो यार? और तुम लोग मुझे भी तो समझो ना, उसने अपने बाबा की बालकनी में मुझे हेका और सामने उसके बाबा और उसकी आई का फोटोग्राफ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ही घूर रहे हो। प्रेशर आ गया मुझे मतलब। यार प्राइवेट चीज होता है ये, तेरे घर में 24 घंटा मेला लगा है, कहाँ से प्यार करेगा? उसको तू ट्रिप पे लेके जा। किधर? सिद्धि विनायक। वहां तो गौरवी हर ट्यूजडे मुझे लेके जाती है। ये नहीं समझने वाला। तू एक काम कर, मैं ट्रिप प्लान करती हूँ, तू बस जाने की तैयारी कर, ठीक है? अरे अब ये तो बताइए कि मैं से मुंह ढाके कहाँ जा रहे हैं अचानक से? वो बोलते हैं ना वो वीकेंड गेटअवे। वीकेंड गेटअवे ना? वेंसडे कब से वीकेंड में आने लग गया? वीकडे गेटअवे। वो सौरभ बोला जाके आओ। मगर अनुज अचानक से प्लान कैसे? वो कल तुमने बोला ना आई लव यू और मैंने बोला थैंक यू। भाई साहब गाड़ी रिवर्स में चलाओगे? आगे देखिए ना, यहाँ पे तो थोड़ी प्राइवेसी दो यार। अब सुनो आगे वो एक वो केमिस्ट को देखे ना तो रोक देना गाड़ी। क्या हुआ अब केमिस्ट के पास क्यों जा रहे हो? तबीयत तो ठीक है? नहीं है आई मीन ठीक नहीं है तो घर चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। नहीं नहीं तबीयत ठीक करने तो जा रहे हैं, मतलब वो मेरा सर दर्द हो रहा है तो इसलिए थोड़ा। ऐसे कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है ना? नहीं नहीं हाँ बस आगे यहाँ रोको 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 रोको। तुम्हें कुछ ही? नहीं ध्यान से। हाँ
हाँ जी बताइए। एक कॉर्न कप टोटेड में बेस्ट कॉर्नर कौन सा? जी सर ये रहे। हाँ ये दोनों। ओके कितने? थैंक यू थैंक यू। हाँ जी सर बताइए क्या चाहिए आपको? एक वो एक कफ सिरप। हाँ भाई कफ सिरप। और वो जो ले वो गया वो कोई बात नहीं थैंक यू। अब चेंज। चलिए आपने तो कहा था आपके सर में दर्द है तो फिर ये कफ सिरप क्यों लेके आए हो? नहीं वो मुझे सर दर्द वो गले से शुरू होता है, वो गले में दर्द होता है, सर दर्द यहाँ से नस होती है ना कनेक्टेड होती है ना तो इसलिए। कोई बात नहीं चलिए भाई साहब जल्दी चलिए जल्दी पहुँचते। अरे साहब वो चाहिए क्या? क्या कंडोम? मैं क्या दुकान खोल लगी है यहाँ पे? वो क्या है लोग गाड़ी में छोड़ जाते हैं कुछ भी ना इसलिए, और ऐसे भी मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ तो इमरजेंसी हनीमून कपल्स के लिए, ये मेरी तरफ से गिफ्ट रख रहा हूँ। थैंक यू। वेलकम सर। कीप द चेंज। थैंक यू। भाई साहब गाजर देना तो। आपका बंगला मैंने देखा था मैगजीन में। आप आजकल यहाँ रह रही हैं? अरे वाह। अरे आपको तो बड़े बंगले में रहने की आदत होगी, यहाँ छोटे घर में तो बहुत डिब्बे जैसा लग रहा होगा, है ना? नहीं नहीं इनका दिल इतना बड़ा है ना कि घर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। अरे नहीं वो इनकी बड़ी बहू देवयानी बताती थी ना कि वो श्रेया घर को लेकर कितनी लड़ाइयाँ करती थी हमेशा। आप चलिए घर में इंतजार कर रहे होंगे लोग। अच्छा सौरभ को इतना सब करने की क्या जरूरत थी ना? गौरवी ऑलरेडी इतने एहसान है हम पर उसके। गौरवी सच्चा दोस्त है ना आपका। गौरवी इतना प्यार करता है। आई लव यू। ओ सॉरी घर पे कभी कह नहीं पाए क्योंकि क्या है वहां पे मौका नहीं मिला तो। और एक और बात वो मैंने ना वो कभी मतलब मैंने कभी वो क्या क्या टोल नाके की रिसीट नहीं भरी? सॉरी लाइट्स भी मैं और ये करेक्ट है ना? गौरव जी गौरव जी मतलब अगर आपको नहीं तो मतलब तो कोई कोई बात नहीं मतलब बात है क्योंकि प्यार है लेकिन आपकी मंजूरी जरूरी है। गौरवी जी चली जीनिया ने जीनिया से याद है सौरभ सौरभ और मैंने एक दो एडल्ट फिल्म देखी एक दो ही तो मतलब आई एम अ वर्जिन आई एम अ वर्जिन।
मैं भी। तो मतलब मुझे जज मत करना प्लीज, बहुत प्रेशर है। आप भी मुझे जज मत करना। नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मुझे, मतलब मुझे तो नहीं। आप आँख बंद कर लोगे? नहीं, आँख बंद करूँगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन लेफ्ट में गया कौन राइट में? हम सौरभ कहता है कि द वाइफ इज ऑलवेज राइट, तो आप राइट में, मैं भी राइट में, दोनों राइट में। तो अच्छा, अभी थोड़ी देर सौरभ की बात ना करे तो जंगल में हम लोग अटक गए थे, मतलब गाड़ी अटक गई थी तो हम लोग वहाँ अटक गए। अनुज घर में टीवी सब देखते हैं, ज़्यादातर टीवी सीरियल्स में ना यही होता है। अच्छा, तो बोल रहे थे कि हम लोग सौरभ के यहाँ गए थे और सौरभ ने कहा कि रात रुक जाए, तो हम लोग रुक गए। घर, बिजनेस, पैसा कुछ नहीं था, फिर भी लगता था वांदो नहीं, गौरव ही है ना, सब वापस कमा लूँगा। मेरे लिए वैसे भी रिश्ते हमेशा ज़्यादा मैटर करते थे, नहीं जानता था आगे जाके एक भी रिश्ता साथ नहीं देगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो हमारा पुराना ड्राइवर है। पूरी हो रही है अधूरी ख्वाहिशें, पूरी हो रही है।